जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई संजय सिंह जिंदाबाद। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है पलवल के नेशनल हाईवे का। केसरी निवास पर आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक रवि तेवतिया एडवोकेट ने फूल मालाओं से और बुकेट देकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में इस बार आपकी सरकार बनेगी, इस बात का संकल्प हम सबको लेना होगा और जरूरत किस बात की है, अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, पेंशन, ये तमाम जनहित की योजनाएं जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, अगर उसका प्रचार हरियाणा के गांव-गांव में कर दोगे तो सारी जनता खड़ी होकर आपको वोट देगी, कंधे पे बिठा के आपकी सरकार बनाएगी। उन कामों को लोगों तक पहुंचाइए, उन कामों को लोगों तक पहुंचाइए। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, दोनों राज्यों में सरकारें स्कूलों का हालत देख लीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, 26,000। हजारों की संख्या में हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद हुए। मैं एक दिन पढ़ रहा था, यहां पे खबर चल रही है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो 1100 रुपए मिलेगा और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो 500 रुपए देना पड़ेगा। यह खट्टर की शिक्षा नीति। तो खट्टर की और भाजपा की शिक्षा नीति ने देश को पीछे करने का काम किया है, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति ने देश को आगे ले जाने का काम किया है। जो काम हमने शिक्षा का दिल्ली में किया, मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली में किया, फ्री बिजली का दिल्ली में किया, अब पंजाब के अंदर जहां भगवंत मान जी की सरकार बनी है, पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, पंजाब में भी दिल्ली की तरह योजनाएं लागू हो गई, और गुजरात में जैसे पहुंचे केजरीवाल जी तो छापे मार रहे हैं, सीबीआई छोड़ रहे हैं, ईडी छोड़ रहे हैं, सिपा पुलिस छोड़ रहे हैं। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कहते हैं बंदर घुड़की मत दिखाओ, यानी कि बंदरों की तरह खोखो करने का काम मत करो। ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, तुम्हारी बदर घुड़कियों से डरने वाले लोग नहीं। एक नहीं, 1,000 मुकदमा करो, लेकिन हमारे बच्चों से नफरत मत करो। केजरीवाल उनको अच्छी शिक्षा भी देंगे, अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे, निःशुल्क बिजली भी देंगे, निःशुल्क पानी भी देंगे, विधवा विकलांगों की पेंशन भी देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी कराएंगे और माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा भी देंगे। ये सारा काम हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने काम को गांव-गांव तक पहुंचाइए, दिल्ली की योजनाओं को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाइए। ये गुंडे लफंगों की पार्टी नहीं है, ये अच्छे लोगों की, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने वालों की पार्टी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चौबीस में आप लोग लाएंगे हरियाणा का नंबर? 24 में चुनाव है, 24 में जिताइए, हरियाणा में सरकार बनाइए। गुजरात का क्या सीन रहेगा? गुजरात में अगर सीन कुछ नहीं होता तो मोदी जी का सीन खराब नहीं होता। जो मुफ्त की रेवड़ी पे हमला कर रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये गुजरात की बेचैनी है जो सता रही है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिएगा, आज भी बहुत बड़ी रैली केजरीवाल जी की हुई है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। विश्वासमत हासिल करना पड़ गया था केजरीवाल, 63। ये खोखा खोखा कर रहे हैं,
भारतीय खोखा पार्टी बन गई है बीजेपी। फिर क्या वजह है हजारे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर कि नीति बदल गई? आम आदमी जिंदाबाद। क्या मानकर चलते हैं कि ये आज क्या क्या कार्यक्रम हो के श्रीनिवास पर? आज हमारे माननीय सांसद महोदय संजय सिंह जी जो है हमारे यहाँ पे विजिट था और बहुत ही अच्छा लोगों ने जो है हार्दिक भरपूर जो है उनका दिल से स्वागत किया और इसके बाद जो है आगे मुनकटी के लिए जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं। क्या मानकर चलते हैं कि हरियाणा में भविष्य है आम आदमी पार्टी का? बहुत ही उज्जवल भविष्य है। आज के समय में बीजेपी से हर कोई त्रस्त है और जो है हर कोई बदलाव चाहता है। आप नगर परिषद के चुनाव में जब उतरे थे 10,000 वोट लेते, इसको आप क्या मानकर चलते हैं कि जीत की ओर अग्रसर हैं या बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ता आप लोगों? जी नहीं, बिल्कुल जो है जीत की तरफ बिल्कुल अग्रसर है। आप देखिए कि जो है सबसे पहला इलेक्शन था ये मेरा आम आदमी पार्टी का जो है इधर पलवल शहर से अगर मैं कहूँ चेयरमैनी के लिए, और शुरू में ही अगर जो है हमारे को 13% वोट जो है लोगों ने दिए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो है आगे आने वाले टाइम में अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी को टक्कर देगा तो वो आम आदमी पार्टी ही। क्या मानने का चलते हैं कि नवीन नरेला पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या होडल विधानसभा क्षेत्र से आने वाला टाइम जो 2024 का होगा? 2024 का, 2024 में अभी 2 साल बाकी है, देखिए। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, अन्ना हजारे ने भी आरोप लगाया अभी 2 दिन पहले कि आप रास्ते से भटक गए हो शराब नीति को लेकर, का क्या कहेंगे आप अन्ना हजारे को लेकर? बिल्कुल नहीं, शराब नीति को लेके जो है जो अन्ना हजारे जी ने जो आरोप लगाया है उससे बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है। उनको नहीं पता कि शायद जो है जितने पहले ठेके चलते थे उससे भी कम ठेके खोले गए हैं दिन प्रतिदिन जो है, और शराब की नीति के लिए जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल प्योर तरीके साफ तरीके से जो है काम कर रही है हमारी सरकार। और अभी आप देखिए कि झूठे आरोप जो है मनीष सिसोदिया जी पे लगाए गए थे कहीं कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल पाक जो है साफ जो है मिले हैं। अब उल्टा हमारी पार्टी सवाल पूछ रही है CBI से और मोदी जी से, बताइए आप हमें बताइए कि आपको क्या मिला? आप लोग लगातार हमलावर हो रहे हैं, 20 करोड़ प्रति विधायक का आप ब्लेम भी लगा रहे हैं, ऑपरेशन लोटस को लेकर आप काफी तीखे हमलावर भी हैं बीजेपी को लेकर, वजह क्या कि आप सरकार आप खुद की गिरने को जा रही है, विधायक आपके टूटने जा रहे हैं? कैसे गिर सकती है जी, बीजेपी के तो सिर्फ 8 ही हैं, 8 के साथ कितने मिलाएंगे वो मिलाने के लिए, 40 के साथ अगर 40 मिला भी ना तो भी नहीं बनेगी उनकी, आप बताइए कैसे जो है गिर सकती है? ये महाराष्ट्र का समीकरण नहीं है, ये बिहार का समीकरण नहीं है, नहीं झारखंड में भी आजकल विरोध में चल रहे हैं। आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी जहां इनकी सरकार नहीं बनी है वहां के विधायक तोड़ने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए जो है उन विधायकों को ये ऑफर करते हैं और फिर जो है तोड़ जोड़ के अपनी सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। इनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि ये करोड़ों रुपए इनके पास कहां से आ रहे हैं?